मैं प्रतिभा मिश्रा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा इंटर में। आज मैं आपको ये डबल कलर का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसे आप लेडीज़ कार्डिगन बच्चों के स्वेटर में अप्लाई कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम 6 के मल्टीपल में प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे और हमारी ये डिज़ाइन 4 रॉज में बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 6 के मल्टीपल में 18 प्लस 2, यहाँ पर मैंने 20 फंदे लिए हुए हैं। और इस तरह से आप अपना बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद आप अपना सेकेंड कलर का ऊन अटैच कीजिए और 2 सेटअप रॉज तैयार कर लीजिए। सेटअप रॉ में हम राइट साइड से सीधे फंदे बुनेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टे फंदे बुनते हुए हम 2 सेटअप रॉज तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने व्हाइट कलर का ऊन अटैच करके 2 सेटअप रॉज तैयार कर ली हैं। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर अपनी फर्स्ट रॉ राइट साइड से। तो अब हमने यहाँ पर फर्स्ट कलर यूज करना है रेड कलर का। तो इससे हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए इस तरह से 1, 2, 3, इस तरह से हमने 3 फंदे सीधे बुने। अब हम 2 फंदे व्हाइट वाला स्लिप कर लेंगे, इस तरह से उतार लेंगे। और अब हम 4 फंदे यहाँ पर सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, और 2 फंदे हम उतार लेंगे इस तरह से। फिर से 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, और 2 फंदे हम स्लिप कर लेंगे इस तरह से। और जिस तरह से हमारा शुरुआत में 3 फंदे थे, उसी तरह से हम लास्ट में 3 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रॉ तैयार हुई। अब बनाएंगे अपनी सेकेंड रॉ रॉन्ग साइड से। फ्रेंड्स हमने सेकेंड रॉ में क्या करना है, जो फंदे हमने बुने हैं उन्हें उल्टा बुन लेंगे और जो फंदे हमने स्लिप किए हैं उन्हें हम स्लिप कर लेंगे। तो ये देखिए, हम पहला फंदा रेड वाला स्लिप कर लेंगे और 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बना लेंगे, 1, 2, इस तरह से। और अब हमने 2 फंदे व्हाइट वाले स्लिप कर लेने हैं इस तरह से। और हमने रेड वाले चारों फंदे बुन लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे बुने। अब 2 फंदे स्लिप करेंगे, 1, 2, ये व्हाइट वाले, और फिर से हम 4 रेड बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, इस तरह से 2 फंदे स्लिप करेंगे, 1, 2, और जिस लास्ट में ये देखिए 3 फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, 1, 2, 3। तो इस तरह से हमारी सेकेंड रॉ तैयार हुई। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे अपनी थर्ड रॉ राइट साइड से। यहाँ पर अपना व्हाइट कलर का ऊन अटैच करेंगे और अब हमने यहाँ पर केवल बनानी है। तो ध्यान से देखिएगा इस रॉ को, हमने क्या करना है, देखिए 2 फंदे हमने व्हाइट कलर से सीधे बुन लेने हैं, 1, 2, 2 फंदे हमने सीधे बनाए व्हाइट कलर से। अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये दोनों सफ़ेद वाले फंदे हम साइड में यहाँ पर लाएंगे, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, और जो ये लाल वाले फंदे हैं इनको हम इन दोनों के बीच में ले जाएंगे। तो इस तरह से चलिए देखते हैं, हमने ये पहला वाला जो व्हाइट फंदा है देखिए इसमें सामने से सिलाई डालनी है, और ये जो रेड वाला फंदा है यहाँ से हमने इसको नीडल निकाल देना है, और पीछे की तरफ से हमने इसको सिलाई पर चढ़ा लेना है, और हमने ये वाला फंदा भी सिलाई पर चढ़ा लेना है। अब 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे इन दोनों को, 1, 2, इस तरह से। और हमने ये जो लाल वाला फंदा है, ये व्हाइट के बगल में लाल वाला, इसमें हमने पीछे की तरफ से सिलाई डालनी है और ये फंदा सिलाई से गिरा देना है, और ये व्हाइट वाला फंदा हम सामने की तरफ से सिलाई पे वापस चढ़ाएंगे, और ये रेड वाला फंदा भी हम सिलाई पर चढ़ा लेंगे, और दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, 1, 2, इस तरह से। अब हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1, 2, और हमने फिर से केबल बनानी है। देखिए जो ये दोनों बीच के जो व्हाइट वाले सफ़ेद वाले फंदे हैं ये दोनों रेड के साइड में आएंगे, और ये जो दोनों लाल वाले फंदे हैं ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर आएंगे। तो हमने ये व्हाइट वाले में सामने से सिलाई डालनी है और ये यहाँ से फंदे गिरा देने हैं दोनों, ये रेड वाला पीछे की तरफ से इस तरह से नीडल पर उठाएंगे और ये वाला भी नीडल पर वापस चढ़ा लेंगे। और अब हम इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 और 2, इस तरह से। अब हमने ये जो लाल वाला फंदा है ये देखिए व्हाइट के बगल में, इसमें हमने पीछे से सिलाई डालनी है और ये व्हाइट वाला फंदा सिलाई से गिरा देना है, सामने की तरफ से इसे सिलाई पर चढ़ाएंगे और ये लाल वाला फंदा भी सिलाई पर वापस चढ़ा लेंगे इस तरह से। और हमने इन दोनों फंदों को बुन लेना है, 1, 2, इस तरह से। और 2 फंदे हम फिर से बुनेंगे सीधे, 1, 2, और फिर से अब हमने 4 फंदों में केवल बनानी है। देखिए ये जो बीच के 2 हैं और साइड साइड के 2 ये लाल हैं इन दोनों में, तो हमने सामने से इस व्हाइट वाले में सिलाई डालनी है इस तरह से, और सिलाई निकाल लेनी है, पीछे से ये रेड वाला हमने सिलाई पर चढ़ा देना है और ये वाला भी हम सिलाई पर चढ़ा लेंगे इस तरह से। और 2 फंदे हम बुन लेंगे, 1, 2, इस तरह से। अब हमने जो व्हाइट के बगल में रेड है इसमें पीछे से सिलाई डालनी है लाल वाले फंदे में,
और इस तरह से इसे गिरा देंगे वाइट वाला, आगे की तरफ से सिलाई पर चढ़ाएंगे और ये वाला फंदा भी हम सिलाई पर इस तरह से चढ़ा लेंगे और ये दोनों फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक दो, और ये आखिरी के दो फंदे हैं तो इन्हें भी हम सीधा बुन लेंगे, एक दो, इस तरह से। तो फ्रेंड्स हमारी ये थर्ड रॉ कंप्लीट हुई। अब हम बनाएंगे अपनी फोर्थ रॉ रॉन्ग साइड से। तो फ्रेंड्स फोर्थ रॉ में हमने सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए अपनी फोर्थ रॉ को कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए हमारी ये फोर रॉज कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारा ये पैटर्न यहाँ पर देखिए बिल्कुल बन करके आ चुका है। हम इन्हीं फोर रॉज को कंटिन्यू करेंगे तो हमारी डिज़ाइन बिल्कुल इस तरह से बनती चली जाएगी, बिल्कुल इस तरह से। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।